अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम अलीना फारूक राउत है, मैं 5वीं ए की तलबा हूँ। मेरे स्कूल का नाम SS हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज मोरवा है। मैंने साइंस एग्जीबिशन प्राइमरी ग्रुप में हिस्सा ली हूँ। मेरे मॉडल का नाम दिन और रात का चक्कर है। इस मॉडल में हमने दिन और रात का चक्कर बताएंगे कि जिस हिस्से पर रोशनी पड़ती है वहाँ पर दिन होगा और इसके बरक पीछे रात होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कई देशों में रात होती है तो भारत में दिन होता है। इस मॉडल में हमने दिन और रात का चक्कर बताएंगे कि जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ पर दिन होगा और इसके बरक पीछे रात होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कई देशों में रात होती है तो भारत में दिन होगा। ज़मीन के जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ पर दिन होगा और जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ पर रात होगी। हमारी ज़मीन सूरज के अतराफ गर्दिश करती है और इस गर्दिश के वजह से ज़मीन की सूरज के सामने आता है और दिन और रात वाक़े होता है। जब ज़मीन का कोई हिस्सा सूरज के सामने रोशनी में आता है तो वही हिस्से दोबारा की सूरज की रोशनी में आने के लिए 24 घंटे का वक्फा दरकार होता है, जिसको हम एक दिन या यौम कहते हैं। जब वही हिस्सा बिल्कुल सूरज के सामने आता है तो वहाँ पर दोपहर के 12 बजे का वक्त होता है। इस तरह से दिन और रात का चक्कर जारी रहता है। इतना कहकर मैं अपना मॉडल वजाहत ख़त्म करती हूँ कि हमारा निज़ाम शमसी से ज़मीन एक सैयारा है जहाँ पर ज़िंदगी आबाद हो है और ज़मीन को सूरज से रोशनी हासिल होती है। खुदा हाफिज़।